देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर आर प्लस 0.47 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। चलिए देखिए हमें इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना है, तो 0.6 के लिए तो 6/9 कर देंगे, इसके लिए देखो 6/10 कर देंगे, और इसके और इसके लिए देखो हम लोग पहले 0.7 के ऊपर बार है इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग x सपोज कर लेते हैं, दोनों का अलग अलग पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट x इक्वल टू में 0.7 के ऊपर बार, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, हो जाना है यहाँ पर 10x, और इधर हो जाएगा आपका 7.7 के ऊपर बार, इक्वेशन सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी हो जाएगा यहाँ पे 10x माइनस x इक्वल टू में 7.7 के ऊपर बार माइनस का 0.7 के ऊपर बार, इधर 9x और इधर 7, यानी कि x का वैल्यू 7/9। अच्छा, अब उसी तरह से लेट y इक्वल टू में 0.47 के ऊपर बार, ये इसका मतलब यहाँ पे समझ गए ना कि ये 0.7 के ऊपर बार का वैल्यू 7/9 है। अच्छा, इसको देखते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, ऐसा इसलिए कर रहे थे कि बिना बार वाला जो है पहले इधर आ जाए, लेफ्ट इधर आ जाए, तो यहाँ हो जाएगा 10y इक्वल टू में इधर 4.7 के ऊपर बार, इक्वेशन। अच्छा, ये आप इसको ना लेके इसे इक्वेशन लेने की जरूरत है, इसे इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, और फिर इसमें लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई कितना 10 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा इधर 100y इक्वल टू में 47.7 के ऊपर बार, इक्वेशन फोर्थ। अब लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, तो इधर हो जाएगा 100y माइनस का इधर 10y और इक्वल टू में 47.7 के ऊपर बार माइनस 4.7 के ऊपर बार। अब इसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 90y इक्वल टू में इधर आ जाएगा 43 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 43/90। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास निकालना है वैल्यू 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार और प्लस में आपका 0.47 के ऊपर बार, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, यही ना है जी। चलिए, तो ये 0.6 जो है ये 6/9 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, सॉरी बार वाला बार बार आ जा रहा है, इसीलिए ध्यान वही आ जा रहा है, इसमें बार तो नहीं ना है जी, 6/10, और इसका अभी हमने देखा है 7/9, और ये जो है ये अभी हम लोग निकाले किसका है, ये यही 0.47 के ऊपर बार का है, 43/90। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं 9, यहाँ डिवाइड करें 9 और 6/9 जा 54, प्लस में इसमें डिवाइड करेंगे 10 और 10 में 7 से इंटू करेंगे तो 70, और फिर प्लस में यहाँ पर 43, इनको ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 167 और बाई में यहाँ 90 तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो